तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खुशबू एम बी ऑनलाइन मगरोनी में। मैं नंदलाल आज आपके लिए फिर से एक नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज किस बेस का वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो गाइस, आपको जैसे कि पता है, नवोदय विद्यालय में 6वीं क्लास के लिए बच्चों का एडमिशन किया जाता है, उसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं ऐसे ही तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि मैं जो नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन है क्लास 6 का 2020 के लिए, वो मैं यहाँ पर खुले हुए हूँ। और आप मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें इसी वीडियो में आपके लिए किस प्रकार से आपका पेपर होगा, पेपर का पैटर्न कैसे, आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और आपका सिलेबस वन बाई वन हम इसमें सभी प्रकार के जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वो सभी डिटेल से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हमारे भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उनके पास पहुंच सके, जिनके बच्चे हैं उनको नवोदय में डालना चाहते हैं वो, तो उनको ये पता चल सके। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें, यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर करके भी पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ की थी। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 28 राज्यों और 7 शासित प्रदेशों में संचालित है। इसलिए आपको पता है 28 राज्यों में है और 7 शासित प्रदेश यानी कश्मीर को छोड़ के सभी में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हो 9 से 12 तक के विद्यार्थी, ये हमें नहीं पूछना है, हमें ये जानकारी लेना है नवोदय विद्यालय में प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 के लिए किया जाते हैं। ठीक है गाइस, और अब हम आपको बताते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो सभी जो आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, सब यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें देखना है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो गाइस कितनी वैकेंसी है, 51+2+1, यानी कि टोटल कुल मिलाकर आप कितनी सीटें हैं यहाँ पे, 53 सीटें हो जाती हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2020 जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षण सत्र 2021 में कक्षा 6 हेतु प्रवेश परीक्षा 2 चरण में निम्नवत आयोजित की जाएगी, यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो 2 चरणों में ली जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं शनिवार 11 जनवरी 2020 को समय 11:30 पूर्वाह्न, ठीक है, और आपका शनिवार 11 अप्रैल 2020 समय 11:30 से आपका लिया जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि हम आवेदन कहाँ से करें। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको यहाँ पे देख सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, जो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है वहाँ ऑनलाइन वाले पे जाके आप ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। दोस्तों, लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरलीकृत एक कर ऑनलाइन कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट इतनी पर और इस पर के प्रवेश पोर्टल पर जाकर निःशुल्क परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो आप स्ट्रक्चर पढ़ ही लेना, क्योंकि मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। अब हम आगे देखते हैं चयन परीक्षा का परिणाम। ये देखिए गाइस, चयन परीक्षा का परिणाम कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2020 के चरण प्रथम व द्वितीय का परिणाम क्रमशः मार्च 2020 और मई 2020 में घोषित होने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम एडमिशन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबंधित कार्यालयों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी देख सकते हो, जिला शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी, उपयुक्त नवोदय विद्यालय समिति संभाग या नवोदय विद्यालय समिति वेबसाइट पर आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो चयन व प्रवेश। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ लेना वीडियो पॉज करके।
आवेदन के लिए कौन पात्र है ये भी आप पढ़ लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या क्या रहेगा। ये देखिए, ये तो आपकी भाषा है, कौन कौन सी भाषा में आपका लिया जाएगा। तो हम तो मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती, यानी कि आपकी पांच भाषाओं में यहाँ पे पेपर लिया जाएगा। आप कोई सी भी एक चॉइस कर सकते हो। अब आपका आ जाता है गाइस कि आपका ये पैटर्न क्या रहता है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो फॉर्म डाल देते हैं, उनको यही पता नहीं है क्या पैटर्न है क्या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, परीक्षा का प्रकार देख सकते हो, जो आपकी मानसिक योग्यता परीक्षा जिसे हम रीजनिंग कहते हैं इंग्लिश में, वो आपकी 40 क्वेश्चन आपके आएंगे और 50 अंक का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और समय अवधि इसके लिए दी जाएगी 60 मिनट। सेकंड नंबर पे आता है आपका अंकगणित। अंकगणित में आपका क्या आएगा, 20 तो प्रश्नों की संख्या होगी और 25 नंबर का होगा ये, और इसके समय अवधि आपको दी जाएगी 30 मिनट के लिए। अंकगणित आप देख सकते हो गाइस, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह छोड़ के बाकी सभी टॉपिक आ जाते हैं, अलजेब्रा वगैरह सब छोड़ के। जैसे कि आपकी लॉस प्रॉफिट है, साधारण ब्याज है और सरलीकरण है, समय दूरी है, ये सब आपकी इसमें आ जाती है। भाषा परीक्षा भी देख सकते हो आप, प्रश्नों की संख्या 20 और अंक आपके कितने हो जाएंगे, 25 अंक, और समय अवधि कितनी है, 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार से आंसर शीट दी जाएगी, एक वहाँ पे आपको जो सा सही होगा उसको इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक कर देना है। ठीक है गाइस, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 पॉइंट यानी कि 1.25 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका एक उत्तर सही होता है तो आपको ये नंबर दिया, और ऋण जो माइनस मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो माइनस वाले इसलिए नहीं देते हैं इसमें। परीक्षा का स्वरूप भी देख सकते हो आप, यहाँ पे दिया हुआ किस प्रकार से आपका है, किस प्रकार नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो ये सब आपका स्ट्रक्चर है इसका, और जो आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो गाइस मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो आप। ठीक है गाइस, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फैलाना, जिससे कि कोई बच्चा रह ना जाए। ठीक है गाइस, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, आप डालने के लिए जा सकते हो, और इसकी लास्ट डेट अभी नहीं दी हुई है PDF में, तो आप जल्दी से जल्दी इसको करवा लें और अपने पास के जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म जमा कर लें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़